खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां हरिगांव पंचायत के ग्राम रामनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक राणा प्रताप सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला उत्तरबारी, मठिया एवं मैदापुर के बीच गया। टूर्नामेंट में मैदापुर की टीम ने फाइनल मुकाबले में 3 रनों से जीत दर्ज की। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का प्राइज रोहित गिरी को दिया गया। विजेताओं को राणा प्रताप सिंह कुशवाहा के द्वारा पुरस्कृत किया गया। गांव पंचायत के रामनगर ग्राम में 6 टीम के बीच मुकाबला हो रहा है। जो टीम जीतेगा वो विजयी घोषित होगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ये टीम कितने टीम हैं इसमें? 6 टीम है। कौन कौन टीम है, कहाँ कहाँ? मैदापुर का 2 टीम है और बरनाव के उत्तरबारी मठिया का 1 टीम है, रामनगर का 1 टीम है और सुंदरा का 2 टीम है। कितने ओवर का ये मैच खेला जा रहा है? ये मैच 8 ओवर का होगा। क्या फाइनल मुकाबला आज ही है क्या? हाँ, फाइनल मुकाबला आज ही होगा। जो बच्चे जीतते हैं इनके लिए क्या दिया जा रहा है? उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको मेडल दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार में क्या दिया जा रहा है? मेडल है, मेडल है। हाँ, और हारने वाले को भी सहानुभूति पूर्व मेडल है जी। हाँ, आज बच्चे काफ़ी टूर्नामेंट उत्साह खेल रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चों को खेल क्यों जरूरी होती है? बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, बहुत लगन से खेल रहे हैं और हम कहना चाहेंगे कि खेल खेल की भावना से होना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारा बने रहना चाहिए, झगड़ा झंट नहीं होना चाहिए। खेल खेलने से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होता है जी। क्या मैच ये पहली बार खेला जा रहा है या खेलते आ रहे थे? बच्चे अक्सर मैच खेलते रहते हैं जी। हाँ, बातचीत हुई बच्चों से, हमने कहा कि हम कुछ मदद करेंगे भाई, आप लोग खेलिए। हमने उत्साहित करने का काम किया, इनमें जोश भरने का काम बच्चों किया। बच्चों क्या संदेश देते हैं आप? हम संदेश देते हैं कि बच्चे मेहनत करके खेलें, अच्छा से खेलें और साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी मेहनत करें, बड़े अच्छा से पढ़ें, आगे बढ़ें। नाम बता दीजिए। राणा प्रताप सिंह, निदेशक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आरा, पैक्स अध्यक्ष हरिगांव।